बिस्मिल रहीम अल्कम आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन आई एम your टीचर आमना Ahmad, एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन my क्लास My डियर स्टूडेंट्स एज यू नो वी आर रीडिंग अबाउट चैप्टर 7 दैट इज एसिड्स बेसिस एंड salts. सो एसिड्स क्या हैं बेसिस क्या हैं सॉल्ट्स क्या हैं उनकी क्लासिफिकेशन क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं रिएक्शन्स किस तरह से होते हैं ये सब हम इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं सो so, आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं डैट इज़ लेक्चर टू बी अबाउट यूजेस ऑफ बेसिस लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा के बेसिस क्या है बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है उनको किस तरह से उनकी स्ट्रेंथ की बेस पे क्लासीफाई किया गया है सो so, अभी हम पढ़ने वाले हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस हैं स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस उनके यूजेस क्या हैं इन डेली लाइफ सो so, उसके लिए ऐसे देख लेते हैं क्लासीफाई एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ईच आइडेंटिफाई द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स ऑब्जर्व एंड राइट द रूजिज ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट इन डेली लाइफ सो so, आज जो हमारा मेन कंसर्न है इस एस एल ओ को लेके वो क्या है यूजेस ऑफ बेसिस इन डेली लाइफ प्रॉपर्टीज़ और बेसिस क्या हैं क्ला, उनकी क्लासिफिकेशन हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं सो so, अभी हम पढ़ने वाले हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस हैं उनके यूजेस क्या हैं सो so, uh, उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं वाई दीज थिंग्स हैव बिटर टेस्ट एंड स्लिपरी नेचर सो दीज आर थिंग्स शैम्पू एंड सॉप क्या आपको uh, आपने सोचा कि इनका टेस्ट जो है वो बिटरी uh, क्यों होता है और उनकी नेचर जो है वो स्लिपरी क्यों होती है सो क्विकली टेल मी येस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेसिस क्योंकि इनमें बेसिस होती हैं और बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं कि बेसिस का टेस्ट बिटर होता है उनकी नेचर स्लिपरी होती है सो so इसलिए इन प्रोडक्ट्स में बेसिस यूज़ होती हैं सो so इस वजह से इन प्रोडक्ट्स का टेस्ट बिटरी होता है बिटर होता है और इनकी नेचर जो है वो स्लिपरी होती है नेक्स्ट इज़ वट आर अल्कलीज लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि अल्कलीज़ क्या होती हैं सो क्विकली टेल मी वट आर अल्कलीज

तमाम बेसिस पानी में डिज़ोल्व नहीं होती कुछ बेसिस जो हैं वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती हैं डेट आर कॉल्ड स्ट्रोंग बेसिस एंड कुछ बेसिस कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होती डेट आर कॉल्ड वीक बेसिस तो तमाम बेसिस जो हैं पानी में डिज़ोल्व नहीं होती कम्प्लीटली सो so, तमाम बेसिस अल्कलीज नहीं हैं लेकिन तमाम अल्कलीज जो हैं वो बेसिस ही होती हैं सो नेक्स्ट इज यूज ऑफ बेसिस सो बेसिस के यूज देखते हैं सम बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दैट आर स्ट्रोंग बेसिस सो इनके यूजेस देखते हैं हम डेली लाइफ में क्या हैं फर्स्ट वन इन द मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड शैम्पूज वग़ैरह उसके लिए यूज होती हैं ये बेसिस इसके अलावा पेपर प्रोडक्शन में पेपर बनाने में पेपर की इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं पेंट्स की इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं ड्यू टू देयर स्लिपरी नेचर इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसन और ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होती हैं क्लीनिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होती हैं जो मशीन्स के अंदर जो ग्रीस लगी होती है उसको साफ़ करने के लिए ये बेसिस इस्तेमाल होती हैं इसके अलावा पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं जो क्रूड ऑयल्स होते हैं पेट्रोलियम जो है वो क्रूड ऑयल से निकलता है कलेक्शंस होती हैं ऑयल की जो हम जमीन के अंडरग्राउंड से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं सो so, फिर उनको रिफ़ाइन किया जाता है उनको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है सो so, ये जो बेसिस हैं वो पेट्रोलियम की रिफ़ाइनिंग के लिए भी इस्तेमाल होती हैं सो दीज़ आर समूज ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड

एसिडिक सॉइल uh, होती है जो प्लांट्स के लिए हार्मफुल होती है उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए मतलब उसके असर को ज़ायल करने के लिए ये बेस इस्तेमाल होती है डेट इज़ कैल्शियम हाइड्रो इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है सीमेंट और मोटार्स सीमेंट वगैरह जो यूज़ होते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए उसकी प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है ब्लीचिंग पाउडर में इस्तेमाल होती है इसके अलावा कॉस्मेटिक में जो ब्लीच यूज़ करती हैं खातीन उनकी जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें इसके अलावा जो क्लीनिंग प्रोसेस के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं डिटर्जेंट्स में भी ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल होता है या फिर जो स्टेनिंग हो जाती है कपड़ों पे डिफरेंट दाग लग जाते हैं उसको ख़त्म करने के लिए उसको साफ़ करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं सो ब्लीचिंग पाउडर की प्रोडक्शन uh, के लिए भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है इसके अलावा टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब आ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करना हो तब इस्तेमाल होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस चुके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट uh, कर जाती है और एक दूधिया सा लिक्विड एक दूधिया सा सॉल्यूशन बनता है सो so, ये कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है इसके अलावा जो वाइट वॉश करवाते हैं हम अपने जो बिल्डिंग्स में और इसके अलावा हाउसेस में जो वाइट वॉश करवाया जाता है उसकी भी प्रोडक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होती है इसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो फ़र्टिलाइज़र्स बनाने में इस्तेमाल होती है दैट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सो जो डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल होते हैं प्रोडक्शन को बेहतर बनाने के लिए क्रॉप्स की ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले सकें और फुली ग्रो कर सकें सो so, उन फर्टिलाइज़र्स की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है इसके अलावा रेन बनाने में इस्तेमाल होती है ये एक फाइबर होता है आ, आ, फैब्रिक फाइबर है जो के धागा एक किस्म का है जो कपड़ों को बनाने में इस्तेमाल होता है सो so, रेन बनाने में भी जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इस्तेमाल होती है इसके अलावा प्लास्टिक की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है पेंट्स इंडस्ट्रीज़ में पेंट्स बनाने के लिए पिगमेंट्स और डाइज बनाने के लिए इस्तेमाल होती है इसके अलावा जो डिफरेंट क्लिनजर यूज़ करते हैं हम डिफरेंट क्लिनिंग प्रोसेस के लिए उसके लिए भी इसका यूज़ है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लिंज़र में भी इस्तेमाल होती हैं रैप अप करते हैं लेक्चर को लाइक एसिड्स बेसिस आर आल्सो वेरी यूज़फुल इन मैन्यूफेक्चरिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक फर्टिलाइजर्स पेंट्स डाइज मेडिसन्स सॉप्स डिटर्जेंट्स टूथपेस्ट एटसेट्रा सो बेस एसिड्स की तरह बेसिस भी हमारी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्शन की जाती है मैनुफेक्चरिंग की जाती है लाइक uh, टूथपेस्ट like बनती हैं डिटर्जेंट्स शैम्पूज वग़ैरह बेसिस की मदद से बनते हैं इसके अलावा डिफरेंट क्लिनिंग प्रोसेस में बेसिस इस्तेमाल होती हैं डिफरेंट फर्टिलाइजर्स ड्रग्स मैनुफेक्चरिंग और डिफरेंट मेडिसन मैनुफेक्चरिंग में इस्तेमाल होती हैं इसके अलावा डिफरेंट इंडस्ट्रीज में पेंट इंडस्ट्रीज में भी इनका बहुत अहम किरदार है सो नेक्स्ट इज़ असमेंट जो आज ऐसे लोग हमने कवर किए बेसिस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ़ बेसिस एंड यूजेस ऑफ बेसिस के बारे में उस पर ये असेसमेंट है इसको आपने सोल्व करना है और अपने टीचर्स को दिखाना है कि आपने सही से सोल्व किया या नहीं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी नेक्स्ट इज़ होमवर्क मेक अ कंपेरिजन टेबल ऑफ़ एसिड्स एंड बेसिस एंड ऑल्सो राइट देयर यूजेस इन डेली लाइफ आपने टेबल बनाना है एक साइड पे एसिड्स लिखने हैं एक साइड पे बेसिस लिखने हैं उनको कंपेयर करना है कि एसिड्स और बेसिस के दरमियान क्या कंपैरिजन है और उनके यूज़ेस भी लिखने हैं कि डेली लाइफ में एसिड्स को हम किस तरह से यूज़ करते हैं डिफरेंट क्लीनिंग प्रोसेसेस के लिए डिफ़रेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए और बेसिस का भी आपने लिखना है कि उनको डेली लाइफ पे किस तरह से यूज़ करते हैं सो आई होप नाउ आई यू एबल टू एक्सप्लेन अबाउट यूज़ ऑफ़ बेसिस इन डेली लाइफ थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़